किए, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वो राजा बनेगा। और बिहार के राजकुमारों सिंहासन खाली करो, अब बिहार का गरीब का लाल सिंहासन पे बैठने आ रहा है। 19 तारीख का मतदान होगा, गुंजन जी कितना आप देख रहे हैं अपने आप को? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार नवादा का बेटा का चुनाव है जी। इस बार कुछ आलतू फालतू अपना दलाल चाहिए, नवादा में नवादा का लाल चाहिए। नवादा में है और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से भोजपुरी के सुपर स्टार गायक गुंजन सिंह का जो निर्दलीय चुनाव नवादा से लड़ रहे हैं, आज उनका रोड शो है और रोड शो में साथ देने के लिए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आए हैं। और आज हम बात करेंगे, चूँकि नवादा में आखिरी दौर का ये प्रथम चरण में नवादा में जो है आखिरी दौर चल रहा है, 19 तारीख का मतदान होगा, 19 तारीख का मतदान होगा, गुंजन जी कितना आप देख रहे हैं अपने आप को? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार नवादा का बेटा का चुनाव है जी। इस बार कुछ आलतू फालतू अपना दलाल चाहिए, नवादा में नवादा का लाल चाहिए। आज आपके घर में योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के, नवादा के जनता के ऊपर? मैं उनका सम्मान करता हूँ, गार्जियन है, लेकिन किसी को कुछ काम पड़ेगा तो योगी जी से बात तो नहीं करेगा, यहाँ के स्थानीय सांसद से बात करेगा जी, जो कि काम करते नहीं, बाहरी जो लोग हैं। अगर हम लोग रहेंगे स्थानीय सांसद तभी काम होगा। जनता में जा रहे हैं, क्या मैसेज क्या मिल रहा है, कितना वोटों से आप जीतने वाले हैं? तो आप जा रहे होंगे तो आप देखिए रहे होंगे क्या पोजीशन है, क्योंकि बड़े बड़े स्टार उतरे हुए हैं आपके विरोध में, बड़े बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपका स्टार में यदि बात करें तो कैंपेनिंग में मनीष कश्यप के अलावा कोई दूसरा नहीं दिख रहे हैं। अरे तो जनता मेरा स्टार है, स्टार प्रचारक है ना। जीत के कहाँ जाएंगे? जो जनता का आदेश होगा उधर जाएंगे, जिधर कहेंगे। तो हमारे साथ में मनीष कश्यप जी हैं, सन ऑफ बिहार हैं और आज गुंजन सिंह के रोड शो में आए हैं, स्वागत है। और आज पहली बार श्री कृष्ण बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के धरती पर से आपने आगाज किया, रोड शो का शुरुआत किया, क्या कहना चाहेंगे? बस अब नया बिहार बनाना है, भरोसा है, तो ये सारे गरीब लोग जो है, जो मजदूर है, जो मध्यम वर्गीय लोग है, एक बार हमें मौका दे, क्योंकि हर पार्टी को तो इन लोगों ने मौका दे दिया जी, दिया हर एक पार्टी को मौका दिया, एक बार हमें मौका दे। बिहार में जातिवाद है मनीष जी, जातिवाद से क्या उठकर वोट करेंगे? एकदम, इस बार देखिए लोग जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण बाबू की बात करें तो अभी के दौर में जो लोग हैं नरेंद्र मोदी का मॉडल मान चुके हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने जो काम कर दिए, उनके समय में संसाधन कम थी, लेकिन कल कारखाने जिस तरीके से विकास पूरे बिहार में किया, कहीं कहीं देश को दिशा देने का काम करता था। देखिए उस समय इस देश में संसाधनों की कमी थी, लेकिन बिहार में नहीं था, क्योंकि बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे जी, और इस वजह से बिहार में जबरदस्त विकास हुआ था जी। लेकिन श्री कृष्ण बाबू बिल्कुल लुप्त नजर आ रहे हैं। उनका विचारधारा, उनका विकास का मॉडल जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया, श्री कृष्ण सिंह जी के विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी जी अपना के गुजरात को नंबर वन बना दिए, लेकिन बिहार का नेता नहीं अपनाया, सब बिहार बर्बाद हो गया। क्या लगता है मनीष कश्यप नवादा आए हैं, प्रभाव पड़ेगा, चूंकि योगी आदित्यनाथ का आज इनके घर पर, गुंजन सिंह के घर के ही प्रखंड में जो है, उनके प्रखंड में ही आज दौरा था और कार्यक्रम था योगी आदित्यनाथ जी का? देखिए योगी जी बड़े नेता है, अच्छे नेता है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन नवादा के लोगों को समस्या होगा तो योगी जी थोड़ी समस्या का समाधान करेंगे, वो तो सिर्फ चुनाव में आएंगे प्रचार करने के लिए, वो अपना यूपी का काम कर रहे हैं। अब बिहार का बेटा, नवादा का बेटा, नवादा का विकास करेगा, तो इनको मौका दिया जाए। नवादा का जो राजनीति होता है, नवादा का राजनीति अभी तक जो हुआ है, लास्ट में जो है दो धड़ों में बढ़ जाता है, लालटेन और बीजेपी, चूंकि यहाँ यादव और भूमिहार की लड़ाई होती है। देखिए अब इस बार गरीब और गरीबों को लूटने वाले की लड़ाई है, अब लूटने वाले को सबक सिखाना है और गरीबों का सरकार बनाना है।
इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे आपने कहा कि कई क्षेत्रों में कई लोकसभा में आपने कैंडिडेट अपने अनुसार उतारा है मैदान में, जैसे कि आपने पहले भी कहा है, कहाँ कहाँ आप जीत रहे हैं? जहाँ जहाँ अच्छे काबिल निर्दलीय जो कुछ कर सकते हैं हम उनके साथ हैं। आपका आइडियोलॉजी क्या है, आपका विचारधारा, चूंकि चुनाव मैनोफेस्टो होता है, आपका मैनोफेस्टो क्या है? आइए चंपारण बताएंगे। हाँ, क्या लगता है चंपारण से जीतेंगे? एकदम बिल्कुल, यहाँ से ये जीतेंगे, गुंजन सिंह नवादा से जीतेंगे, चंपारण से हम जीतेंगे जी। और हम मतलब मनीष कश्यप नहीं, हम मतलब कि पूरा चंपारण के लोग जीतेंगे ये चीज। कहा जाता है कि दुराह समय का घर घर रथ का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बड़े लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्टार जो हैं जमीनों पर काम कर रहे हैं। देखिए, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वो राजा बनेगा। और बिहार के राजकुमारों, सिंहासन खाली करो, अब बिहार का गरीब का लाल सिंहासन पे बैठने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये मनीष कश्यप थे जो खुलकर बेबाक तरीके से जाने जाते हैं और बताया कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीबों के बेटा जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और एक दिन सिंहासन पर बैठेगा। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो के प्रति आपके क्या राय है, क्या सचमुच में नवादा में बदलाव होने वाला है? मगध टाइम्स के सारे टीम को जो है चंपारण में स्वागत है। आप लोग आइए चंपारण। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।